मैं रानी परी। अरे मैं क्या कर रही हो? दो जवाब। हाँ हूँ जानता मैं, है नहीं है अकेले यहाँ, है और भी कोई इसके साथ यहाँ पर। हाँ तौबा तौबा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। सुना सुना रानी परी, आपने अपनी नाक से था खाना मैंने आपको, है नहीं अकेली, है और भी कोई इसके साथ यहाँ पर। बताओ बताओ, है कौन तुम्हारे साथ यहाँ पर? बताओ, तुम हो यहाँ मेरे साथ तौबा तौबा। है? और मानव महर है, रानी परी है, आप सबके होते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? और वैसे भी मैं तो यहाँ बच्चों को हमारी रानी परी के वीरता के किस्से सुना रही थी, कि कैसे रानी परी ने अपनी चतुराई और वीरता से अपने दुश्मनों पर विजय पाई। मैं तो इनकी जय जयकार कर रही थी तौबा तौबा, है ना? रानी परी की जय हो, रानी परी की जय हो, रानी परी की जय हो, खुश हो रानी परी, खुश हो रानी परी। अरे नहीं नहीं बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, रानी परी है जरूरत इसकी। रानी परी, कहीं इस तौबा तौबा की बातों में आकर आप मुझ पर नजर रखने तो नहीं आ रही थी ना? नहीं नहीं नटखट परी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों का हालचाल पूछने आई थी। क्यों बच्चों, सब ठीक है ना? कहीं हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। है चलते, चलिए। अरे सुनिए, खबरदार जो दोबारा नटखट परी पर शक किया, तुम्हें प्रधान तो क्या दरबान भी नहीं बनाऊंगी, समझे? अरे जब चलो यहां से। बच गए। ले जा कौन सकता है गाल परी को बस्ते में से? और ऐसा भी हो सकता है ना कि वो खुद ही बाहर निकल गई हो। अगर ऐसा होता तो कोई उनकी जगह पत्थर क्यों रखता? जरूर गाल परी खतरे में, और उनके साथ परी गाना भी। चलिए चलना चाहिए हमें बाहर, और ढूंढना चाहिए गाल परी को। हाँ चलो चलो चलिए। तू बटू भाई, दरवाजा बंद करो। एक अंदर आके दरवाजा बंद करो। बन गए आप तो परिया, और तुम भी जुबा जुबा एक बन गए हो। अच्छा हुआ कि हम लोग सही समय पर बदले, अगर असली भी देरी हो जाती ना तो आज तो परिवार वाले हमें पकड़ ही लेते। सही समय या बुरा समय नहीं पता, पर ढूंढने जाएंगे कैसे गाल परी को? चुप चाप यहाँ से निकल जाते। मानव महर। अरे अब क्या करें, दादाजी तो अंदर आ रहे। मानव महर, मानव महर, ये बच्चे भी ना आवाज ही नहीं सुनते। इसको चिपकाना है, उसके लिए गम चाहिए। गम तो बच्चों के पास ही होगा, लगता है मुझे उनकी रूम में जाना पड़ेगा। अगर दादाजी ने हमें हमारे असली रूप में देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब कैसे उन्हें रोका जाए? हम एक काम करते, हम लोग यहीं पर छिप जाते हैं। हाँ चलो। लगता है कि आपको ऐसे छुपने से दादाजी पकड़ नहीं पाएंगे हमको। डूबा डूबा, अगर 5 मिनट के लिए कोई दादाजी को बाहर रोक लेना तो उसके बाद तो हमारा रूप बदल जाएगा।
मगर कैसे कैसे और कौन दादाजी को रोकेगा? चुप जाओ आप लोग, व्यस्त रखूंगा मैं दादाजी को अगले 5 मिनट तक। और वो रहा मायावी पारा। अब मैं जल्द से जल्द इस तालाब में से तैर के जादुई पारा को हासिल कर लेता हूँ और मानव और मेहर तक पहुंचता हूँ। रुक जाओ, नीचे देखो। ये तो तेजाबी पानी है, मतलब जो भी इसमें जाएगा इसकी गर्मी से पिघल जाएगा। तो अब मैं उस मायावी पारा तक कैसे पहुंचूं? मैं उसे कैसे हासिल करूं? मेरे पास यहाँ उड़ने की भी शक्ति नहीं है। कौन हो तुम? सजनी का क्यों मिस सेकंड? सजनीकांत, एक बार बोला मतलब 100 बार बोला जैसा, माइंड इट। लेकिन तुम क्यों और किस लिए आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ क्यों और किस लिए आया? मैं यहाँ क्यों और किस लिए आया? तुमको खुद को ही पता नहीं। किस लिए से मुझे अपना एक किस्सा याद आया। एक बार 3 बार या एक बार? एक बार चांद पे खड्डा था। चांद पे एक बार खड्डा था? एक बार चांद पे खड्डा था मैं। अच्छा, खड़ा था कि मेरी जेब से 1000 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया। 1000 रुपए का सिक्का कहाँ होता है? मैं का खड्डा था चांद पे तो वह होता है। तो उस सिक्के को पकड़ने के लिए मैं नीचे भागा। पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया। जैसे ही धरती पर पहुंचा देखा तो क्या, क्या सिक्का नीचे नहीं था, हवा में रह गया होगा। अरे नहीं दादाजी, 1000 रुपए का सिक्का था, अब जमीन से किसी ने उठा लिया हो। क्या कुछ भी बोलता है तू? मैं कुछ भी बोलता। देखो, एक की एक लाइन 2 बार बोले। अरे भूल गए, 1 बार बोला तो 100 बार बोला जैसा। और आपने हम पर शक किया, सजनी पे, वो सजनी जिसके शेरनी ने कल अंडा दिया। शेरनी ने अंडा दिया? ये कैसे किया? कैसे किया मतलब सजनी ने बस अपनी मुर्गी का नाम शेरनी रख दिया और दे दिया शेरनी ने। अंडा।
टाइम क्या हुआ दादाजी? क्यों सजनी के पास घड़ी नहीं है? सजनी कभी घड़ी नहीं पहनता। सजनी घड़ी क्यों नहीं पहनता? घड़ी घड़ी इतना सवाल मत पूछिए दादाजी। सजनी कांत कभी घड़ी नहीं पहनता, वरना समय को भी सजनी कांत के हिसाब से चलना पड़ता है। 3:30 अयो 3:30 अयो एक और किस्सा सुनिए दादाजी। और एक किस्सा। एक बार सजनी कांत कौन बनेगा अरबपति में? क्या करोड़पति? करोड़पति सजनी कांत के लिए अरबपति होता है। तो एक बार सजनी कांत कौन बनेगा अरबपति में गया, वह एंकर ने कहा कंप्यूटर जी। सजनी कांत जी से पहला सवाल पूछिए। तो मालूम कंप्यूटर जी ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहता हूं। टाइम क्या हुआ दादाजी? 3:32 एक और किस्सा सुनिए दादाजी। और एक किस्सा। एक बार एक गुंडा हेलीकॉप्टर से मुझ पर फायरिंग कर रहा था और मेरे हाथ में एक गोली था और एक टूथपिक था। तो फिर तुमने क्या किया? क्या किया? टूथपिक उठाया, वुफ, सीधा हेलीकॉप्टर पे ICM लगाया, वुफ, टूथपिक सीधा पायलट के हार्ट के 13th नव पे जाके लगा, वुफ। उफ, क्या साउंड इफेक्ट है? ये साउंड इफेक्ट नहीं था दादाजी, ये सचमुच का उफ था। पायलट उफ, हेलीकॉप्टर सीधा उफ, 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 उफ। लेकिन मैं क्या कहता हूं, आपके पास गोली थी तो टूथपिक क्यों मारा? क्योंकि वो गोली सरदर्द का गोली था। टाइम क्या हुआ दादाजी? 3:34 अयो एक और किस्सा सुनिए दादाजी। किस्सा नहीं मैं यहाँ पे ना बच्चों को मिलने के लिए आया था। नहीं दादाजी सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि गजनी कभी कुछ अगर याद रहता है तो वो है सजनी। एक बार सजनी को कुत्ते ने काटा तो कुत्ते को 14 इंजेक्शन देने पड़े थे। और एक किस्सा आपको मालूम रात का निर्माण कैसे हुआ? नहीं। एक बार बहुत ठंड पड़ा था, सूरज ठंड के मारे कांप रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही सजनी ने जैकेट उठाया, सूरज पे डाल दिया और हो गया रात का निर्माण। और एक किस्सा। अगर उस आवाज ने मुझे मायावी तालाब में जाने से नहीं रोका होता तो शायद मैं मोम की तरह पिघल जाता। पर वो आवाज थी किसकी? हे मुझे बचाने वाले, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, मैं यहाँ हूँ। ओ तोते, तो वो तुम थे? तोता नहीं, मिठू राम। अच्छा मिठू राम, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया रहने दो। ये बताओ तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैं वो मायावी पारा हासिल करने के लिए आया हूँ जो तालाब के बीचों बीच है। नहीं मिलेगा, अपना भला चाहते हो तो वापस लौट जाओ। ये साधारण दिखने वाला पानी साधारण नहीं बल्कि तेजाबी पानी है, और इसमें जो गिरता है मोम की तरह पिघल जाता है। हाँ मैंने वो अभी देखा, पर चाहे जो भी हो मैं वो मायावी पारा हासिल करके ही रहूंगा। जादुई पारे तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा उस मायावी पारे को हासिल करने का, और मैं वो रास्ता ढूंढ कर ही रहूंगा। मिठू राम, ए, सुनो, मैं उड़कर जाकर वो जादुई पारा तुम्हारे लिए लाऊंगा, ऐसा सोचना भी मत। एक
थी, लेकिन थोड़ी दूरी गया था कि मेरे पंख जलने लगे और मुझे वापस आना पड़ा था। मिठू राम एक परिंदा होके भी इस मायावी तालाब को पार नहीं कर पाया, और मेरे पास तो उड़ने की भी शक्ति नहीं है। क्या करूं मैं उस मायावी पारा को कैसे हासिल करूं? मानो और मेहर को मुझे चार पहर से पहले परिलोक के बाहर लाना ही पड़ेगा, पर कैसे कैसे करूंगा ये मैं कैसे? अरे यार, एक्स्ट्रा क्लासेस को जैसे खेलने नहीं मिलता है, चलो घर चलते हैं। गालपुरी मिली? नहीं, ढूंढ लिया पूरे स्कूल में पर कहीं नहीं मिली गालपुरी। क्यों? गालपुरी गाल चार पड़ी थोड़े धीरे, सब लोग सुन लेंगे। अब क्या होगा? गालपरी के साथ परी तेरे भी चला गया। बालवीर ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हम उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए। लेकिन हमारे बैग में से गालपरी को कौन निकाल सकता है? चलो कहीं और चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो। जैसे अत्यधिक गति की वजह से ये पत्थर पानी में डूबा नहीं और पानी में उछलकर उस पार पहुंच गया। वैसे ही मैं भी उसी गति से पानी में गिरे बिना दौड़ सकता हूँ। लगता है इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं।